आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम हनी चिली पटाटो बनाने जा रहे हैं। आइए हम बताते हैं इसमें क्या क्या सामान यूज होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। चार आलू, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, आधी चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच सफ़ेद तिल और नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 चम्मच शहद और 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप, 1 से 2 चम्मच सफ़ेद सिरका, 3 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और तलने के लिए तेल। हमें इन सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हम आलू, शिमला मिर्च और प्याज को काट लेते हैं। हमने आलूओं को लंबे शेप में काट लिए, देखिए इस तरीके से, और प्याज और शिमला मिर्च भी काट लिया। मार्केट से जो हम चिल्ली पटाटो लाते हैं उसमें मैदा और कलर का यूज किया जाता है। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। अब तेज़ गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। करीब 2 मिनट हो गए हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने आलू डीप फ्राई कर देते हैं। इनको आप जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें मैंने मैदा या कलर का यूज नहीं किया है। गैस आप मंदी तेज अपने हिसाब से करते रहें। देखिए हमारे ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, लेकिन अभी हमें और गोल्डन ब्राउन करने हैं। अब हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। गैस अपनी मंदी रखे हैं, तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज डालते हैं और प्याज को हल्की ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमें हल्की ही भूननी है। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और शिमला मिर्च को भी भून लेते हैं। हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना, दोनों ही चीज़ को हमको हल्का ही भूनना है। अब हमारी प्याज शिमला मिर्च दोनों भून चुकी हैं। अब हम इसके अंदर फ्राई करे हुए आलू डाल रहे हैं, साथ में रेड चिल्ली सॉस डाल रहे हैं, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी केचप। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसके अंदर ऐड करते हैं शहद। और इन सबको अच्छे से आपस में मिला लें। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल डाल देते हैं। तिल डालने के बाद हमने इनको मिला दिया है। हमारे हनी चिल्ली पटाटो खाने के लिए तैयार हैं। अब इनको हम बाउल में पलट देते हैं। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।